करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक, ये आपका आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक है क्लास 7 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है आपका हीट। इससे पहले क्लास 6 का भी देखे हम लोग पूरा और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखे और सॉल्यूशन भी देखे। इस तरह से पढ़ने से और स्टडी करने से हम लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में कवर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है आज के सभी एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। आपका हीट क्या है? देखिए, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट आपका एक एनर्जी का फॉर्म है। द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज ए रिलेटिव। गर्म और ठंडा एक शरीर का पिंड का क्या है, एक रिलेटिव, एक दूसरे से रिलेशन रखने वाला है, रिलेटिव है। आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज ए रिलेबल गाइड टू डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे सेंस जो है टच करने का, जो ऑब्जेक्ट के डिग्री के हॉटनेस पे आपको गाइड पर रिलेबल ही नहीं है। आगे द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। आप लोग टेम्परेचर किसे कहते हैं? द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस के जो डिग्री माप करते हैं हम लोग उसे टेम्परेचर कहते हैं। ये आपका टेम्परेचर है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। थर्मोमीटर इज ए डिवाइस विच इज ए यूज टू मेजर टेम्परेचर। आपका थर्मोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो हम लोग टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपका थर्मोमीटर आपका डिवाइस है, तापमान को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द थर्मोमीटर डैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर है जो हमारा बॉडी का शरीर का माप करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। इससे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब एंड बल्ब एट द एंड। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर किस तरह का होता है? लंबा होता है, पतला होता है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहता है। ये ट्यूब आपको देख रहे हैं फिगर में, बल्ब और जो लास्ट पॉइंट पे एक इंड पे आपका बल्ब रहता है। इट हैज़ ए किंक विच प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ओन। और इस यहाँ पर आपका इस लेवल पर एक किंक रहता है, ये आपका स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, और जो हमारे मरकरी को गिरने से बचाता है। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री। और इसका रेंज रहता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का आपका रेंज रहता है कहाँ से कहाँ तक? 35 डिग्री से आपका 42 डिग्री, ये आपका फिगर में दिखाया गया था। अगला पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड 37 डिग्री सेल्सियस। आपको नॉर्मल टेम्परेचर हम सभी जानते हो मानव का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज। किसी भी निर्जीव बस्ती के टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज फ्रॉम -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। ये आपका रेंज है, -10 से आपका 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक है 110 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? ये आपका रेंज है, ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। आप सभी ने पॉइंट नंबर 10 देखिए। नाउ ए डे डिजिटल थर्मोमीटर इज यूज इन स्टेड ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। इट हैज़ नो मरकरी। आज हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर का, डिजिटल थर्मोमीटर, इसमें आपका मरकरी नहीं रहता है आज के समय में। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हम सभी जानते हैं जो हीट होता है
अधिक जिधर तापमान रहता है उधर से बहता है जिधर कम तापमान रहता है। द थ्री वेज इन विच हीट कैन फॉलो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, तीन रास्ते हैं, तीन प्रकार है जो हीट का हम लोग का एक दूसरे से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसफ़र करता है। एक कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, को तीनों देखते हैं। द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर इन टू द कोलर एंड ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्शन। सॉलिड का जो वर्ड आए जहाँ भी हॉटर से और कोलर की तरफ आपका हीट का ट्रांसफर होता है उससे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली इज कॉल्ड कंडक्टर, वह मटेरियल जो आसानी से अपने आप में हीट को समीहित करता है और पास करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन एक कंडक्टर है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम भी है और ईटीसी। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर, वह मटेरियल जो आसानी से इससे हीट नहीं पास होता है उसको क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं और इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। प्लास्टिक, रबर एंड वुड ईटीसी इज कॉल्ड इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कन्वेक्शन चीज़ें कहते हैं। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम ए हॉटर रीजन टू द कूलर रीजन, ये एक एरिया का बात करता है आपको कन्वेक्शन। जैसे मैं गर्म वातावरण का जो हवा है वो कोल्डर कूलर रीजन की ओर में मूव करता है बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के माध्यम से। इट इज जनरली ऑकर इन द लिक्विड एंड गैसियस मीडियम, या खासकर लिक्विड और गैस मीडियम में आपको ऑकर होता है, ये सिचुएशन होता है। पॉइंट नंबर 16 देखते हैं। द कन्वेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द एयर नियर द हीट गेट्स हॉट एंड राइजेज द एयर फ्रॉम साइड कम्स इन इट। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस व्हेयर द एयर नियर द हीट सोर्सेस गेट हॉट। एयर क्या होता है? कन्वेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द एयर नियर द हीट सोर्सेस गेट हॉट। जिधर भी हीट सोर्सेस है, गर्म सोर्स रखा हुआ है, वहाँ पर एयर जहाँ भी रहता है उसे टेक्स कर लेता है, ले लेता है एंड राइज, और वहाँ पर टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू टेक्स प्लेस, और यहाँ पर गर्म स्थान पर ठंडा हवा ले लेता है। द फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू वॉश द लैंड टू प्लेस द हॉट एयर ऑन लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। जैसे में समुद्र के जो पानी होता है थोड़ा ठंडा रहता है, और जो समतल जो जमीन का पानी जो जमीन पे रहता है थोड़ा हल्का गर्म रहता है, समुद्र की ओर से जमीन की ओर जो हवा जाता है उसे हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। कोल्ड एयर टू हॉटर रीजन, ये रीजन की बात कर रहा है। दिस फेनोमिना टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे, और इस फेनोमिना को आपको दिन में लेता है, ये आपको फिगर में भी दिखाया गया है। ये आपका डे टाइम में क्या होता है, समुद्र की ओर से हवा जा रहा है, गर्म होकर फिर वापस सी में आ रहा है। देखिए राइट, ड्यूरिंग द नाइट प्रोसेस नाइट द करेंट ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम कूलर लैंड टुवार्ड्स द वार्मर सीज, दिस इज कॉल्ड ब्रिज, लैंड ब्रिज। और इस प्रोसेस के क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज का, जैसे गर्म हवा है लैंड की तरफ और आपको सी में जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं, और ये आपका नाइट में प्रोसेस होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 19। रेडिएशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्स लैंड सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, बिना सोर्स और ऑब्जेक्ट जो स्रोत है और ऑब्जेक्ट के बिना कॉन्टैक्ट में आए हीट का ट्रांसफर होते हो जाता है उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ये आपका रेडिएशन को है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएटेड, सभी भी गर्म वस्तुएँ क्या होता है, रेडिएट होता है। डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व द रेडिएशन बेटर दैन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। डार्क कलर जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, अच्छा मतलब ऑब्जर्वर है दैन द लाइट कलर रेडिएशन का। डैट इज़ द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर
क्लॉथ इन समर, इसलिए हम लोग हल्का कलर का जो क्लॉथ रहता है हम लोग समर में बहुत ही कंफर्टेबल एहसास करते हैं। वूलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म ड्यूरिंग द विंटर, दिस इज बिकॉज वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। आपका पुअर कंडक्टर हीट क्या होता है, हीट का पुअर कंडक्टर रहता है ऊल का, ऊल क्लॉथ जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, इसलिए हम लोग गर्म सीजन में ठंडा में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए इसमें हवा ट्रैप हो जाता है और हम लोग को गर्म रखता है। कुछ आउटलाइन है हम लोग देखते हैं, सेल्सियस के बारे में जानते हैं। सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल इज द यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज ए मीटर स्केल ऑफ टेम्परेचर, हम लोग को टेम्परेचर का माप करने के लिए सेल्सियस स्केल इस्तेमाल करते हैं। कंडक्शन देखते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, हीट आपका ट्रांसफर होता है हॉटर टू कोल्डर। कंडक्टर किसे बोलते हैं, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली इज कॉल्ड, आसानी से हीट को पास करता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। कन्वेक्शन किसे कहते हैं, अब कन्वेक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन बाई द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आपको पार्टिकल के मूवमेंट से हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन की ओर आपका ट्रांसफर होता है हीट, उस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। इंसुलेटर किसे कहा जाता है, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली इज कॉल्ड इंसुलेटर, आपको हीट को पास नहीं करता है, इसलिए हम लोग ऊपर में स्टडी कर दिए हैं थोड़ा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के डायरेक्ट जो डिफिनेशन टाइप का है आपका क्वेश्चन में पूछ देता है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। लैंड ब्रिज के बारे में देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग एयर करेंट फ्रॉम कूलर लैंड टुवार्ड्स द वार्मर सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज वह होता है जो आपका कूलर लैंड ठंडे लैंड से वार्मर सी की तरफ जाता है उसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। रेडिएशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, इसमें आपको रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं रहता है। सी ब्रिज किसके, द फ्लो ऑफ एयर कूल कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड टू रिप्लेस द हॉट ऑन द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज, आपका जो ठंडा हवा रहता है कूल एयर रहता है फ्लो होता है कहाँ से, सी से लैंड की ओर में, और गर्म हवा को हटा देता है, इस प्रोसेस को हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। टेम्परेचर किसे कहते हैं, देर द रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। थर्मोमीटर किसे कहते हैं, डिवाइस यूज, ये एक डिवाइस है यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। तो बस आज के लिए इतना ही, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं, मेरे चैनल का नाम है टूलर आप सभी जानते हैं, उसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को जो टूलर का नाम है उसका बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसा मैं अगला वीडियो डाले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बस।